ठीक है, तो एसी वाला जो चैप्टर है उसको बनाओ, और जो भी डाउट होगा उसको भेज के एक दिन डिस्कस कर लेंगे। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये भी छोटा सा चैप्टर है, देखे थे बोले थे तो एनसीईआरटी से, कोई नहीं पढ़ा। ठीक है, तो एक बार आज भी अगर पढ़ रहे हो तो जाके एक बार पढ़ लेना, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही हमारे लिए बहुत है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के लिए उससे ज्यादा हमको पढ़ना भी नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उसको खत्म कर लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जैसे कि हम लोग पहले से जो जो चैप्टर है पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने देखा कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो सवाल ये उठा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है क्या? तो जैसे सारे चीजें हो रही थी उसके बाद अगर हमने देखा तो मैक्सवेल ने बोला कि एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए, उनका इक्वेशन सी जो है रामबान है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक करेंट फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो अगर हम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो जो है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। हाँ, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उससे नहीं प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे प्रोड्यूस होता है। तो उसी चीज को सर, ये जो एक्सप्लेन, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका बात हो रहा है? हाँ जैसे कि हमने देखा था ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, यानी कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो सवाल ये उठा कि क्या अगर हम कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? तो उसी चीज के बारे में ये है कि भाई अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है ये हम लोग पढ़ले से पढ़े रखे हैं, बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इनटू आई, आई इनक्लोज वगैरह वेरी है तो टाइम के साथ साथ फंक्शन ऑफ टाइम कह सकते हैं, ये था हमारा। ठीक है, ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट है कि एक कैपेसिटर है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर चार्ज करते हैं तो इधर से हम मान लेते हैं कि करंट इसमें आई बह रहा है, पूरा चीज हम नहीं दे रहे हैं, इस पे प्लस चार्ज और इस पे ऐसा माइनस चार्ज आता है। अगर किसी टाइम टी पे कह रहे हैं तो इस पे क्यू आया होगा, इस पे माइनस क्यू आया होगा, ये सब चीज हम लोग जानते हैं। मैक्सिमम मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो होना था ये क्यू नॉट होना था, ठीक है, उसका हमको कोई मतलब भी नहीं है। अब अगर हम इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एक एम्पियर लूप ले लिए। ठीक है, जिसका रेडियस कुछ r रहा होगा इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो अगर हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड फील्ड एट पी, करने क्या लिखेंगे, बी इंटीग्रल डी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू ये जो आई है। ठीक है, ये टाइम के साथ साथ वेरी हो रहा होगा तो आई लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अगर यहाँ से dr का इंटीग्रेशन जो है इस लूप का हमको पेरीमीटर देगा, यहाँ से हम b इंटू टू पाई आर लेंगे, हमको मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। इसमें कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ने ये चीज पहले से भी कर रखा है, ये चीज था पहला। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन अगर हमने देखा तो देखा कि अगर ये करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, तो अगर हम उससे आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने दिमाग लगाया थोड़ा सा, अगेन वो क्या किए कि यही दोनों प्लेट्स थे, ठीक है, थोड़ा दूर दूर बना रहे, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज था और इस पे माइनस चार्ज था। अब उन्होंने लूप जो बनाया ऐसा बनाया, इसका जो पी पॉइंट तो यही था, लेकिन वो बोले कि नहीं हम इधर से ऐसा लिए हैं, ठीक है, टिफिन बॉक्स शेप का, ठीक है, लूप जो है इधर से हमारा जा रहा है, ठीक है, इस शेप का, यानी कि अंदर लिए, पॉइंट वही था लेकिन लूप ऐसा बनाए कि वो जो लूप है अंदर की तरफ ऐसा हमको रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहा है, यानी कि टिफिन बॉक्स मान सकते हैं इसको, टिफिन बॉक्स ऐसा ही कुछ आता है, तो इस शेप का हम मान सकते हैं। तो इसके थ्रू अगर हम यहाँ पे देखें तो अंदर में हम बोलते हैं कि करंट तो जीरो है, तो इस लूप के थ्रू अगर हम बी डॉट डी आर निकालेंगे तो ये म्यू नॉट इंटू जीरो हो जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे कहते हैं कि करंट जो है वो जीरो है, तो ये यहाँ से हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी जीरो आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसा लूप लिए फर्स्ट केस में, सिंपल सा लूप लिए, तो उस केस में हमको मैग्नेटिक फील्ड मिला, लेकिन सेकेंड वाले केस में हम देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला, कंट्राडिक्ट हो गया कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड था तो हम कैसा भी लूप मानते तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए था, यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला सर, कि हाँ सर, ये फर्स्ट वाला केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ अभी तक कुछ भी बोले हैं सर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, मतलब बोले ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट। हाँ ठीक है, तो हम उस पर आएंगे अभी, फिलहाल जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसी चीज को बोल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम फिलहाल कोई चर्चा नहीं की है। हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करता है किसी रीजन में तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर ये करंट वेरी कर रहा होगा तो इधर का मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी चर्चा किए ही नहीं, हम अभी सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है या नहीं, उस चीज के पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमने जो पहले मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूज होता है उसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ लिया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उस चीज का। तो फिलहाल हम उस टॉपिक को बोले भी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंपली जो हम पढ़े हैं एम्पियर सर्किटल लॉ वही चीज यूटिलाइज कर रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ हम पढ़े थे कि ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, करेंट अगर पास हो रहा है तो ऐसा होता है, अभी इंट्रोड्यूस नहीं, ठीक, उसको करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखो। हम यहाँ सिर्फ कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, जीरो है, ठीक है, इतना बात जितना बोले उसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर, ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ से हम स्टेटमेंट नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं कंसेप्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे सब दिखेगा, और ये इस साल डिलीटेड पोर्शन में भी है तो बोर्ड में ये नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज दिख रहा है कंट्राडिक्शन।
कि हम एक मेथड एक लूप माने तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिला, सेकेंड दूसरे तरीके का लूप माने, यानी कि अंदर से लेते हुए अगर हम मान रहे हैं, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच से मान रहे हैं, तब हमको नहीं मिला। अगर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड था तो पहले था तो बाद में भी होना चाहिए, और अगर बाद में नहीं है तो पहले भी नहीं होना चाहिए, कंट्राडिक्शन हुआ। तो इस चीज को उन्होंने कैसे किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने करेक्शन किया, यानी कि हम बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कंट्राडिक्शन। ठीक है, इस चैप्टर के लिए पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है? इससे ज्यादा इसमें हम लोग को जानना भी नहीं है। तो मैक्सवेल एक्सप्लेनेशन था इसके लिए कि जो हमारा ये प्लेट्स है, एक पे चार्ज पॉजिटिव है, एक पे चार्ज निगेटिव है, ठीक है, ऐसा है, इस पे चार्ज कुछ क्यू है, इस पे चार्ज कुछ माइनस क्यू है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर से इधर की तरफ, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम जानते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है, फील्ड होगा चार्ज के साथ साथ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके कारण देखें तो हम जानते हैं ई इंटू ए होता है, तो ये आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम डी फाई बाई डी टी लिखेंगे तो हमको ये क्या मिलेगा, 1/ε0 इंटू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी जो होता है ये और कुछ नहीं बल्कि आई एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म निकाले हो आई, अब एक्चुअली में यहाँ पे कोई चार्ज का मूवमेंट तो नहीं था, ठीक है, यहाँ से करंट तो आया इस इक्वेशन से, इस पे जो चार्ज था प्लेट पे इससे आया, करंट भी दोनों बीच चार्ज मूव है नहीं, चार्ज तो वायर के थ्रू मूव करते हैं, तो वहां पे ये इलेक्ट्रिक करंट आया कैसे, तो बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और नाम दिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि जो करंट है, यानी कि आईडी अगर हम बोल रहे हैं, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डीटी, ठीक है, ई लिखने का मतलब इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक के लिए बी, तो ये जो करंट है इसको बोले वो कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, अलग नाम दे दिए ताकि कंट्राडिक्शन ना रहे, ठीक है, यानी कि इसके बीच में ये जो करंट बह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू तो उसको बोल रहे हैं आईडी, यहाँ जो करंट बन रहा है बह रहा है उसको हम बोलते हैं आईसी, और इसको हम लोग इसमें नाम देते हैं कंडक्शन करंट, ठीक है, यानी कि आज तक जो हम लोग करंट पढ़ते हैं उसको नाम दे दिए उन्होंने कंडक्शन करंट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको उन्होंने नाम दिया कि ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे फायदा ये हुआ कि अगर हम यहाँ से एक आईडी मान रहे हैं, तो अब अगर हम ऊपर वाला ये कंसेप्ट लेते और यहाँ पे अगर हम बोलते कि आईडी है, तो यहाँ पे जो है करंट हम जीरो नहीं पुट करते, जीरो पुट नहीं करते तो कुछ वैल्यू आता है मैग्नेटिक फील्ड का, अब जीरो नहीं आता। तो उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ को करेक्ट करके क्या बोला, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, ये मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन कि इंटेग्रल बी डॉट डीएल जो होता है वो म्यू नॉट इनटू आई टोटल होता है, ठीक है, यानी कि जो भी करंट होगा इनसाइड में, ठीक है, इनसाइड की ही बात कर रहे हैं, जो भी लूप है इनसाइड द लूप, तो ये म्यू यहाँ पे टोटल क्या क्या है, तो आई कंडक्शन प्लस
आई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको इंट्रोडक्ट करके उन्होंने ये इक्वेशन रखा कि ये जो है फाइनल इक्वेशन होगा, कहीं भी वैलिड होगा, और इसको हम आई सी प्लस म्यू नॉट ये जो हमारा इक्वेशन मिला, इस चीज को बोलते हैं हम लोग एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। वाले के लिए आईसी तो जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये करंट रहा, तो इससे हमको मैग्नेटिक फील्ड मिला। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि दिस इंप्लाइज दैट कि अगर फाई है तो फाई है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो फाई चेंज हो रहा है, तो डी फाई बाई डी टी कुछ रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट तभी रहेगा जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो यहां से इम्प्लाई किए कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ में आया कि चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम वही ऐसा प्लस चार्ज माइनस चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंजिंग है, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि हमारा रीजन है इधर इनटू द प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है, वैसा ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड का था, इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग है, ठीक है। यानी कि हम इधर से खड़े होकर देखेंगे तो हमको ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ऐसा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इधर ऐसा, यानी कि वो भी परपेंडिकुलर ही रहता है बी हम बोल रहे, ठीक है। यानी कि हमको बी इज परपेंडिकुलर टू ई, ठीक है। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट से पता चला वही चीज लिख मैग्नेटिक बी हो, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग बोल रहे हैं कि अगर किसी रीजन में वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट को बोल रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दे रहे हैं तो ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहाँ पे एक्चुअली में किसी चार्ज का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट है और उस करंट है। अगर हम फ्री स्पेस है वहां कोई भी मीडियम नहीं है, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहे हैं तब भी ये करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि अगर हम फ्री स्पेस का बात करें, वैक्यूम का बात करें, तो वहां पे अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब वो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी वेरिंग होगा, अगर वो वेरी है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में प्रोड्यूस होता रहेगा। यानी कि जो फंक्शन है ये और इसलिए मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है करने के लिए, ठीक है। यानी कि इसको फ्लो करना है इसके लिए, और आवाज थोड़ा कट कट गया है। हाँ नहीं आ रहा, हेलो क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा था, कट गया था आवाज। अच्छा ठीक है, इतना बात समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी वेरिंग होगा,
और ऐसे ही एक दूसरे को प्रोड्यूस ये करता रहता है, और प्रोड्यूस करने में जो एनर्जी जो खर्च होता है तो उसमें प्रोपोगेट करते रहता है। तो इस चीज को बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि लाइट भी। ठीक है, तो वो सब चीजें तो उससे पहले हम लिख रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। सर ये जो कंडक्शन करंट चेंज हो रहा है उसी की वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है। कंडक्शन करंट चेंज कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि चार्ज ऑन द प्लेट्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस पे जो चार्ज होगा वो चेंज होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, इसलिए चार्जिंग का बोल रहे हैं। स्टेडी स्टेट जब आ जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और डी फाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डी फाई बाई डी टी करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि उस समय ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा होगा तब होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में प्रोड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। और पहले हमने देखा था कि जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ था वो भी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर था, यानी कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और दोनों एक दूसरे से प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि अगर हम एक को वेरी करें तो दूसरा प्रोड्यूस होगा, और वो भी वेरी हो रहा होगा तो उससे फिर पहला प्रोड्यूस होगा। ऐसा ही एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा और एनर्जी करता रहता है, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम लोग आज तक जानते आए हैं जिसमें होता है। क्योंकि सन रेज जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं हम उसको, सन से आता है, बीच में वैक्यूम है, मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी फ्लर ले रहा है यूज कर, उसमें जो जी बनता है यूज होता है उससे ये प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग कल हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल इक्वेशंस। सर जो सन से खुले हैं तो उसमें से करंट कहाँ से आता है? क्या चीज सर जो बोले ना कि सनलाइट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है? हाँ, तो वेव्स है, वेव के फॉर्म में जैसे गामा रेज ये सब जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें जो चार्ज पार्टिकल है कुछ है, देखेंगे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होता है तो उस चीज के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ले, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ब्रह्मास्त्र है ये सारे इक्वेशन, यानी कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं वो इन्हीं चार इक्वेशन से डिराइव करे गए हैं, और ये मैक्सवेल लिख के चल गए, प्रूफ करा और अपना नाम ले लिया। ठीक है, यानी कि मैक्सवेल का जो था भगवान से सीधा आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, यस सर, ठीक है, ये सब इक्वेशन हम लोग पढ़े पहले पढ़ चुके हैं, ये सारे इक्वेशन जो है मैक्सवेल के ही थे। ठीक है, जो प्रूफ करा वो अपना नाम ले गया, क्योंकि मैक्सवेल ने इक्वेशन लिख दिया, अब क्यों लिखा कहाँ से लिखा ये किसी को नहीं पता था। ठीक है, फराडे लो, और फोर्थ
इसको बोलते हैं लोग एम्पियर मैक्सवेल। देखिए ये चार इक्वेशन मैक्सवेल ने लिख दिए, लिख के वो चले गए। कैसे लिखे, क्या लिखे, यानी कि मतलब एक्सप्लेन कैसे करना था ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बोला कि इसी इक्वेशन से सब चीज रिलेटेड है। बाद में हम लोगों ने देखा कि सारे जिसने प्रूफ किया उसके नाम पे ये सब चीज दे दिया गया। यानी कि जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस है धार, ठीक है। यानी कि अगर हायर स्टडीज में जाओगे तो जो हम लोगों ने अभी तक जितना कुछ पढ़ा है, कैसे भी हम लोग जिस भी सिक्वेंस में पढ़े हों, वहां पे शुरुआत ही इसी इक्वेशन से होगा, इस इक्वेशन से और साथ में लॉरेंज फोर्स, ठीक है। यानी कि हायर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो सब चीजें हम लोग छोटा छोटा एक एक पार्ट करके थोड़ा थोड़ा सीखे हैं, वहां पे डायरेक्ट यहीं से शुरू होगा, ठीक है। इक्वेशन आएंगे, कहा जाएगा इसी से आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी पढ़े हैं हम लोग वो सब चीज ये है, हम लोग लास्ट में पढ़ रहे, शुरू में लिखते तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, आधा समझ नहीं आता। तो ये चीज है, तो ये है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशंस क्या है उसको याद रखें, डिस्प्लेसमेंट करें क्या होता है रखना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये चीज को। तो ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये एनसीईआरटी से पढ़ना है, जो भी उसमें क्वेश्चन दिया है उसको कर लेना है, मॉड्यूल में भी कमी क्वेश्चन होगा उसको कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर ये इक्वेशन न्यूमेरिकल होते हैं क्या? पहला इक्वेशन गॉस लॉ है, न्यूमेरिकल कर रहे ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज लूप फॉर्म करता है तो ये जीरो होता है, ये लास्ट वाले में इस तो कर रहे ही हैं, साथ में ठीक है कैपेसिटर वाला ही देखे करता है और कहीं से कोई नहीं, एक्सप्लेनेशन के लिए ही है, ठीक है। तो सर आवाज नहीं आ रहा ठीक से, आईपीएल शुरू भी नहीं हुआ, 7:30 से बैठता है, ठीक है। हेलो सर आवाज कट गया था पूरा, अभी आ रहा है? हाँ सर अभी आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब ये हुआ कि EMW शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। हमने अभी तक शुरुआत किया था मूव कर रहा होगा, हेलो हेलो आ रहे हो? यस सर, ठीक। तो यही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं इसको EMW। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर चार्ज जो होता है रेस्ट पे रहे तो उससे जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर बोले कि चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है तो उससे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, और अगर चार्ज को हम एक्सेलरेट कर दें चार्ज हो, तो ये जो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो उससे जो है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि अगर हम जानते हैं कि फोटो ये क्या बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो केमिस्ट्री में, यस सर ठीक है, उसमें बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर राउंड राउंड घूम रहा होता है, ठीक है, तो अगर फिक्स वेलोसिटी है तो उसके पास कोई एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जब छलांग लगाता है तो उसके स्पीड में चेंज आता है, यानी कि उसमें एक्सेलरेट होता है, तो उसी की वजह से जो है वो इनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। यानी कि जब चार्ज को हम एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन में होता है, तो उससे इनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, और उसी इनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए वो आगे की तरफ उसका मोशन भी जो होता है परपेंडिकुलर टू बोथ होता है, ठीक है। तो कहानी की तरह ही हमको याद रखने जो भी चीजें हैं, तो कहानी की तरह ही हम बता दे रहे हैं, इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि ऐसा है, इधर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, इधर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं कि है, तो जो हमारा मोशन होगा वो इधर की तरफ कहीं होगा, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रो बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ठीक है, यानी कि अगर डायरेक्शन हमसे निकाला जाए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो हम डायरेक्टली क्या देखेंगे ई क्रॉस बी, ठीक है, ये याद रखना है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको कोई दे दिया, मान लेते हैं ई एक्स, ठीक है, ई एक्स दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब कुछ यहाँ पे ई नॉट रहेगा साइन ऑफ ओम केएक्स, ठीक है, केजेड माइनस ओमेगा टी, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर दिया रहेगा तो वाई बी नॉट साइन ऑफ केजेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा, यहाँ पे एक्स है तो ये वाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड x में है तो मैग्नेटिक फील्ड y में है, तो यहाँ पे z दिख रहा है, ठीक है, ये वेव है तो ये हमको दिख रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो साइन के अंदर या कॉस के अंदर जो फंक्शन रहेगा वो हमको रिप्रेजेंट करेगा कि उस वेव का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वेव का ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वेव के प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये वाला टर्म यूज कर रहा है। इसमें ध्यान दो कि अगर माइनस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा, अगर बीच में पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। वेव वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि ऐसा ये वेव इक्वेशन हमको दिख रहा है और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, फेज वाला जो एंगल है उन दोनों के बीच में अगर माइनस साइन आता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर प्लस होता तो जेड के निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव एक्स, माइनस है
तो नेगेटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे सब प्लस वाला ही ले रखे हैं, ये माइनस ले रखे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो हम इस चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है, ये चीज है कि क्रॉस बी हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन को फॉलो करना चाहिए। ये जो है इसका इक्वेशन हो गया, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और हमसे पूछेगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे देगा और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पूछेगा। ठीक है, अब दोनों साइनोसोइडल फंक्शन है और दोनों एक एक्स में है तो एक वाई में है, इसको ऐसा कुछ बनाया जाता है, ठीक है, बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें 3D में बनेगा, ठीक है, ऐसा ठीक है, यानी कि ये अगर हम x बोल रहे हैं, ये y बोल रहे हैं, z बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, रूम में रहते तो इसको हम एक्सिस से दिखा सकते थे, यहां से ध्यान से देखो तो रूम का तीन कॉर्नर देख लो, जो हमारा नीचे वाला फर्श हो गया उसको एक्स जेड प्लेन मान रहे हैं, तो उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इन वाई एक्स प्लेन, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्स प्लेन में है, यानी कि वाई डायरेक्शन में दिख रहा है, और ये जो प्रोपोगेट कर रहा है हमको दिख रहा है कि प्रोपोगेशन जो है इसका एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो इधर जेड वाला आएगा, जेड वाला कंपोनेंट, इसमें वाई वाला कंपोनेंट, और डायरेक्शन किधर है, एक्स की तरफ, यानी कि हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड में है, हम इसमें क्रॉस वाला यूज नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, जेड क्रॉस वाई, तो प्रोपोगेशन माइनस एक्स में होगा, तो प्रोपोगेशन जो होगा माइनस एक्स में होगा, ठीक है, तो ऐसा अगर बनाए हैं तो दोनों जो होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है और ऐसा होता है। अब इस इक्वेशन पे आए तो इसमें के को बोलते हैं हम लोग वेव नंबर, यानी कि जो हम लोग यूज करें पहले भी, के का वैल्यू होता है 2π/λ, ठीक है, ओमेगा को लिखते हैं हम लोग 2π/T, तो स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगा, लेमडा बाई टी, तो यहाँ से ध्यान से देखो लेमडा बाई टी अगर लिखना होगा तो इसको ओमेगा बाई के लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ वेव आता है, स्पीड ऑफ वेव अगर निकला हो तो लेमडा बाई टी या फिर ओमेगा बाई के। यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपोगेशन स्पीड जो आता है इज सी, यानी कि 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट से ये मूव करता है तो सी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होगा,
ठीक है, C इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होगा। ऑल्सो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में जो ये आता है दैट इज इक्वल टू सी हो जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट। और इसी चीज को हम लोग एक और इक्वेशन पढ़े थे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर एनी मीडियम वी इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट ए आर ई नॉट। ठीक है, सब चीजें हम लोग पहले यूज कर रखे हैं इसीलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं हम इसको। ये सारे इक्वेशंस जो है यहाँ पे हमको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी से पूछ लिया जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी लिखते थे ना मीडियम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर, हाँ वी स्पीड है किसी मीडियम में। ठीक है, लाइट के लिए या किसी के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ही है। वैक्यूम में लिखेंगे तो सी रहता है 3 × 10⁸। इलेक्ट्रो लाइट भी जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है और बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, तो सारे के लिए यही चीज प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस हमको याद रखने। अब इनर्जी के बारे में अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं कि सन रेज अगर आता है छत पे तो छत गर्म हो जाता है, रूम में गर्म हो जाता है, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। तो एनर्जी को हम लोग रेडिएशन प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में शायद पढ़े होंगे, पढ़े थे क्या? ठीक है, हम उसको मोमेंटम उसको वहीं पे देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑफ रेडिएशन या एमडब्ल्यू अगर हम लिख रहे हैं पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाई सी लिखते हैं, यानी यू बाई सी। ठीक है, एनर्जी बाई सी सी स्पीड ऑफ लाइट, तो पी इंटू सी अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग मोमेंटम के लिए एम भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि मास होता नहीं है। ठीक है, एच जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करे थे वो चीज यूज करते हैं, एस बाय लैम्डा, ये सब चीजें एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी बाई सी को हम लोग मोमेंटम, ई बाई सी को मोमेंटम बोलते हैं, ई को लिखते हैं एच एफ या एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो चीज हम लोग यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं देखते हैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, फिर सिंपली सा ये चीज लिख के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है हमारा कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिस्ट करता है। दोनों जो होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे को वेरी होता है। तो एक अगर वेरी कर रहा है तो उसके से दूसरे प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा से पहला प्रोड्यूस हो रहा है, और ऐसे ही जो एनर्जी है वो एनर्जी उसको आगे की तरफ प्रोपोगेट कर देता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, नहीं लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिफरेंस हमको पता होगा, ट्रांसवर्स में जो है वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में होता है और इसमें परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट इसके लिए नहीं होता है। ठीक है, और अगर हमको इक्वेशन दिया रहे तो हम ऊपर वाले कंसेप्ट को यूज करते हुए इस चीज को कंसेप्ट यूज करेंगे ई नॉट बी नॉट,
बी नॉट दे रखा है, तो यहाँ से सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सी और ई नॉट बी नॉट का रिलेशन। जैसे कि अगर हमको सिर्फ यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड, तो हम जानते हैं ई नॉट बाई बी नॉट होता है, ठीक है। तो अगर हमसे बोल ये इक्वेशन दे रखा है, हमसे ई एक्स का पूछ रहा है, तो साइन के अंदर वाला जो भी चीज है वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। साइन के अंदर वाला है वो तो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव किधर जा रहा है, तो वो वेरी नहीं करेगा। ई नॉट हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो हम इस इक्वेशन से सी इजकल टू ई नॉट बाई बी नॉट से ई नॉट फाइंड कर सकते हैं और लिख लेंगे। अब डायरेक्शन का सवाल आता है, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ जेड दे रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ वाई दे रखा है, तो एक्स को डिसाइड ई के लिए डिसाइड करना पड़ेगा। और कैसे, तो इस वाले से कि हमको ई क्रॉस बी जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इससे हम देख के फाइंड कर सकते हैं, तो उसी चीज से मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं और बाकी सबसे एक दो न्यूमेरिकल। ये जो पावर वाला है फिलहाल के लिए अगर क्वेश्चन मिले तो छोड़ सकते हो एक सप्ताह, ठीक है, क्योंकि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, रिवीजन करेंगे, तो उसमें रेडिएशन प्रेशर ये सब का कंसेप्ट है, तो उस चीज में ये सारे चीजें आ जाएंगी। और क्या था, ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब है स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो एनसीईआरटी से इसको भी याद करना है, ठीक है, रट्टा मारना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जो चीजें हैं वो हमको याद करने ही, ठीक है। तो ऐसा होता है, इधर रेडियो, माइक्रो, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल, फिर आता है यूवी रेज, फिर आता है एक्सरेज, फिर आता है गामा रेज, ठीक है, इस ऑर्डर में है। अगर हम इधर जाते हैं तो वेवलेंथ जो होता है घटता है, ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एनसीईआरटी देखना, तो लॉन्ग गामा, लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव के टर्म में भी है, ये माइक्रो है। इधर जाएंगे तो लेमडा घट रहा है, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ता है, ठीक है। इन दोनों का रेंज जो होगा, रेंज इसका भी रेंज, ये लर्न करना है, याद करना है कि किस रेंज में आता है, ठीक है। विजिबल के लिए जो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, इधर घट रहा है, ऐसे लिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। गामा रेज जो होता है वो 10 का पावर 4 से 10 का पावर 15, 10 से 10 का पावर 14 मीटर तक होता है। उल्टा लिख रहे हैं इधर। सर, हाँ, जो लाइट 700 से ज्यादा का रेंज करेगा हम लोग देख ही नहीं पाएंगे उसको। नहीं, रेड कलर का जो होता है सबसे ज्यादा होता है, फिर वायलेट का होता है जो सबसे कम होता है, 380 शायद होता है, और रेड का 720 के आसपास, तो हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं 700 से 400। रेंज एक बार देख लेना है और ध्यान में रखना है, ठीक। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम बता देते हैं, ऐसा है, इसको हम लोग बोलते हैं इस ऑर्डर में, तो इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीजेस, कि एनर्जी जो होता है वो एच इंटू एफ होता है, ठीक है, यानी कि गामा रेज जो होते हैं उसका एनर्जी बहुत हाई होता है, इसीलिए बहुत डेंजरस होता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन के समय में प्रोड्यूस होता है, और जो बोलते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है, तो रेडिएशन में जो खतरनाक होता है
जो नुकसान पहुंचाता है वो ये गामा रेज ही है, ठीक है। ये गामा रेडिएशन जो होता है वो वही जो है नुकसान पहुंचाता है। बाकी एक्सरे है तो एक्सरे के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि मेडिकल पर्पस में हम लोग यूज करते हैं, और एक्सरे एक चैप्टर भी पढ़ना है, गामा रेज को भी हम लोग को आगे पढ़ना है, यूवी रेज नहीं पढ़ना है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज हम जानते हैं कि सन रेज से मिलता है, और ओजोन लेयर जो है इसको आने से रोकता है। ग्लासेस जो होते हैं वो भी इसको रोक सकता है। अल्ट्रा वायलेट रेज ही रिस्पॉन्सिबल होता है अगर हम धूप में रहें तो टैनिंग होने के लिए और स्किन डिजीज होने के लिए। विजिबल लाइट, तो विजिबल के बारे में हम लोग जानते हैं। हेलो, हाँ सर, ठीक है। विजिबल के लिए तो विजिबल हम लोग जानते हैं कि विवग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सात कलर से मिलके विजिबल रेज बोलते हैं हम लोग। और इसमें वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो विजिबल लाइट में अगर हम देखें तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, कि इस ऑर्डर में अगर लिखे हैं तो ऐसे लिखेंगे। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है इस ऑर्डर को, तो रेडियो को माइक्रोवेव में डाला तो लाल होकर दिखने लगा, ठीक है, यूबी एक्स वाई। बाद वाला तीन है तो इसको याद रखने का नहीं, अगर ऑर्डर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो, रेडियो को माइक्रोवेव में डाला तो लाल होकर दिखने लगा, यानी कि रेडियो फिर माइक्रो, इंफ्रारेड, रेड है, लाल है, दिखना है, यानी विजिबल है। विजिबल ध्यान रहे कि हम वेवलेंथ घटा रहे हैं तो उल्टा लिखे हैं। फिर आगे यूवी आर ए वाई है, यानी कि यूवी एक्स वाई, अल्ट्रा वायलेट एक्स और वाई, ठीक है। अब रेडियो वेव जो होता है इसका वेवलेंथ बहुत हाई होता है, इसलिए हम लोग रेडियो इस सब में यूज भी करते हैं इसको, क्योंकि ये नुकसान उतना नहीं पहुंचाता है, क्योंकि इसका एनर्जी जो होता है पेनिट्रेशन एनर्जी कम होता है। माइक्रोवेव तो इसका भी एनर्जी रिलेटिवली कमी है, तो इस चीज को हम लोग माइक्रोवेव जो हम लोग ये स्टोव आता है उन सब में यूज करते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी से हीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूज होता है। इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर इसको क्लासिफाई करा गया है, ठीक है। किसका क्या क्लासिफिकेशन है, किस पर कैसे प्रोडक्शन होता है, तो ये चीज एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको याद करना है, ठीक है। और इंफ्रारेड, जैसे कि अगर हम लोहे को गर्म कर देते हैं तो जो रेड वेव जो होता है निकलता है उससे वेव तरह का, तो जिससे हम लोग को हीट लगता है, तो उस चीज को हम लोग जो फ्रीक्वेंसी होता है उस चीज को इंफ्रारेड के रेंज में आता है तो बोलते हैं इंफ्रारेड, ठीक है। तो इससे जो है, एक तो ये ऑर्डर याद रखना है, दूसरा अप्रोक्सीमेटली इसका जो रेंज दिया होगा वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का, उसको माइंड में रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली देता है कि बताओ इस रेंज में कौन सा वेव माइक्रोवेव हो, कौन सा एएमडब्ल्यू आएगा, या फिर बोल देगा रेडियो वेव के लिए कौन सा रेंज है, ऑप्शन चार दे देगा, ठीक है। तो इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन रिलेटिवली एक रेंज दिया होगा, उस रेंज को याद रखना है, ठीक है। याद रखना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या है तुम लोग के लिए, ठीक है, याद करना चाहोगे तो हो ही जाएगा। बाकी ये सीक्वेंस याद रखने के लिए एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, बाकी तुम्हारे पास भी अगर कोई भी ट्रिक हो तो बता सकते हो, अच्छा लगा तो तुम्हारे जूनियर्स को बताएंगे, ठीक है।
तो इसको है रेडियो को माइक्रोवेव में डाला तो लाल होकर दिखने लगा। अब एनसीईआरटी है, बस रेडियो और माइक्रोवेव आ रहा है। रेडियो को माइक्रो, लाल मतलब इंफ्रारेड है तो रेड। हाँ, इंफ्रारेड है। दिखने में तो विजिबल लाइट हो गया, दिखने में विजिबल, और बाद में वाला तीनों याद रखना पड़ेगा। ये रेडियो माइक्रो, ये रेड हो जाएगा यानी कि इंफ्रारेड, दिख रहा दिखने लगा यानी कि विजिबल, ठीक है। इधर यूवी एक्स वाई, इधर वाले याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब बाकी इसका जो पोपर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पचास चार लाइन पांच पांच लाइन का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको पढ़ लेना। लास्ट में एक टेबल है, उसको याद कर लेना, हो जाएगा काम इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इतना ही कुछ है, तो इसको आज ही एक बार हम यही कहेंगे कि आज ही इसको एनसीईआरटी से पढ़ना, और जैसे पढ़ना वैसे ही मॉड्यूल का पहले एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। आधे घंटे लगेगा क्योंकि पिछले बार हम लोग क्लास में किए थे तो मतलब 50 मिनट में पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया था, बच्चा लोग सॉल्व कर लिया था क्लास में। तो तुम लोग भी अगर घर पे अकेले करोगे तो आधा घंटा लगना चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में फंसेगा, वही रेडिएशन वाला, या फिर एक जगह अर्थ मैग्नेटिज्म का दे रखा है तो उसमें, बाकी सब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और क्या, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम यही कहेंगे कि आज ही पढ़ के आज ही खत्म कर लेना, ठीक है। रात में पढ़ने बैठोगे तो एक बार एनसीईआरटी उठाना, पूरा चैप्टर थोरोली पढ़ लेना, उसके बाद पहले मॉड्यूल का क्वेश्चन कर लेना, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेना, चैप्टर खत्म, उससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना हमको इस चैप्टर, ठीक है। तो इधर हम लोग का फर्स्ट पार्ट खत्म, रटने वाला चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर है सर। हाँ, ये स्पेक्ट्रम के बाद पूरा रटना है, इसके पहले वाला जो है जो जितना हम बताएं अगर उतने याद है तो उससे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रम के बाद रटना ही है, उसमें और कुछ नहीं कर सकते, और एक बार रट लिए तो क्वेश्चन भी वैसा ही रहेगा, ये होता है तो हाँ ये होता है, ठीक है। और सच पूछो तो हम जब पढ़े थे तो ये चैप्टर पढ़े ही नहीं थे, ठीक है, रटने के कारण ये, और कम्युनिकेशन तो खैर आज तक हम ना पढ़े हैं ना पढ़ाए। और हाँ, क्या कर रहे थे? अच्छा, फिर उससे क्वेश्चन आता है किससे? कम्युनिकेशन का चैप्टर से? नहीं, कम्युनिकेशन से पहले आता था, ठीक है, लेकिन शायद पिछले साल से वो हट गया है, बोर्ड भी हटा दिया है और नीट भी हटा दिया है, तो इस बार तो पढ़ना ही नहीं है, पिछले साल भी नहीं पढ़ना था, आता था क्वेश्चन वैसे, इस बार भी नहीं आया था। पिछले बार से तो हट गया है ना, एनसीईआरटी ही हटा दिया है, सीबीएसई से भी उससे भी। हाँ, क्या कर रहे थे? हाँ, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें एक चैप्टर बच रहा है, वो फिफ्थ वाला, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें हम लोग को फेरोमैग्नेटिज्म ये सब चीज का, वो भी थ्योरेटिकल है, अर्थ मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म अगर देखे होगे या स्कूल में हुआ होगा तो पता होगा कि पूरा थ्योरी है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, समझने से तो आ ही जाता है, तो समझने का है ही लेकिन याद भी करना है, तो उसको डिलीटेड पोर्शन में है तो इसलिए अभी हम उसको रोक के रख रहे हैं। अब है हम लोग का पार्ट टू, तो पार्ट टू में हम सोच रहे हैं कि पहले छोटा छोटा जो चैप्टर्स है उसको खत्म कर लें, ठीक है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर। तो अगर मॉडर्न फिजिक्स में हमारा शायद तीन चैप्टर है, एक तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक एटॉमिक फिजिक्स और एक न्यूक्लियर फिजिक्स, तो तीनों छोटा छोटा है, फिर वो हो गया चैप्टर उसका। एटॉमिक के फोटोइलेक्ट्रिक शायद हो गया था ना, ठीक है, तब तो और भी अच्छा बात है। हाँ सर। और उसमें एक्सरे हो गया था, एक्सरे, रेडिएशन, नहीं सर, रेडिएशन प्रेशर, ये सब नहीं हुआ। क्या हुआ था? नोट्स भेज सकते हो?
सर उसका बस वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था, और एक और एक्सपेरिमेंट था शायद डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो सब बाकी कुछ कुछ ग्राफ था और एक्सपेरिमेंट सभी था। अच्छा यानी फोटो इलेक्ट्रिक ये मैटर वेव जो लैम्डा एच सी इक्वल टू ये सब मोमेंटम ये सब को रिप्रेजेंट करता है। हाँ सर वो सब इक्वेशन ही से बताए थे कि पार्टिकल और वेव में जो रिलेशन दिए थे प्लैंक्स वाला। हो गया था। हाँ सर वो सब हुआ था। हाँ यानी कि एक्सरे और एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करना है ना, और रेडिएशन से उसी में आ जाएगा। नहीं रेडिएशन प्रेशर तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही पढ़ते हैं। रेडिएशन सर नहीं होता, रेडिएशन प्रेशर कि लाइट अगर आ रहा है छत पे, अगर इतने एरिया पे पड़ रहा है तो कितना प्रेशर लगाएगा, वो सब चीजें। नहीं सर नहीं हुआ तो वो सब। ठीक है तो उसको एक बार रिवीजन कर लेना। और कल क्या करोगे, उस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवीजन कर लें क्या, जो क्वेश्चन करोगे उसको डिस्कशन। सर कल रिवीजन करवा दीजिएगा एक बार। ठीक है तो कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो भाई नोट्स एक बार भेज देना कि देख लेंगे क्या क्या हुआ है, तो उसको रिवीजन कर लेंगे और जो जो छूटा होगा उसको फिर आगे से शुरू करेंगे। ठीक है। और तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया होगा तो हम लोग एक्सरे शुरू करेंगे, रेडिएशन प्रेशर होगा तो उसको एक्सरे, और फिर क्या, ये खत्म। तो एटॉमिक फिजिक्स जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री में पढ़े हो वोर मॉडल, उसको एक बार पढ़ लेना क्योंकि सेम चीज वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है उसमें सिर्फ लास्ट में एक्स्ट्रा है कोलिजन, तो भी पढ़ा हुआ है तुम लोग का केमिस्ट्री में। तो जैसे होता ये है कि बहुत जगहों पे बड़े बड़े कोचिंग में बंसलिए सब में कि एक ही जगह पे ये सब टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या फिर एटॉमिक फिजिक्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बोल लो ये सब चीजें। खैर हम लोग दोनों जगह पढ़ रहे हैं तो फायदा है, एक बार पहले पढ़े हो अभी रिविजन हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे वेव ऑप्टिक्स पढ़ा दीजिए। कौन, वेव ऑप्टिक्स, सॉरी रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स पढ़ाने से पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ाना पड़ेगा, और रे ऑप्टिक्स बहुत लंबा है। ठीक है तो इसलिए सोच रहे हैं कि पहले छोटा छोटा खत्म हो जाए तो लास्ट में रहेगा कि चलो एक दो चैप्टर है, थोड़ा माइंड पे प्रेशर कम रहेगा। ठीक है प्रेशर क्या सर, बहुत टाइम है तुम लोगों के पास नहीं है, जैसे किधर है फिर उधर इंजीनियरिंग वालों के पास नहीं है। और एग्जाम अगर शुरू होगा तो दिसंबर के बाद से तुम लोग भी बिजी हो जाओगे स्कूल के एग्जाम्स में, प्री क्या बोलते हैं प्री टेस्ट क्या होता है, प्री बोर्ड प्रैक्टिकल, तो सब में तो समय डिस्टरबेंस होने लगता है। ठीक है तो दिसंबर से पहले अगर खत्म हो जाता है तो बढ़िया रहता है। तो ये सब छोटा छोटा है, सेमीकंडक्टर तक मान के चलो 15 से 16 लेक्चर लगेगा, 17 लेक्चर, तो इस मंथ में वो सारे खत्म हो जाएगा। फिर रे ऑप्टिक्स है तो उसमें अकेले 15-20 लेक्चर लग जाएगा, तो अक्टूबर खत्म, नवंबर मान के चलो नवंबर लास्ट तक, दिसंबर फर्स्ट वीक 15 दिसंबर तक। ठीक है तो इसलिए सोच रहे पहले इधर छोटा छोटा पोर्शन खत्म कर लें फिर एक बार रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो इधर अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम तो सोच रहे थे नहीं हुआ है, हो गया तो बढ़िया बात है, तो उसको कल एक ही लेक्चर में रिविजन कर लेंगे और भेज देना नोट्स, लेकिन याद से जो छूटा होगा उसको कर लेंगे और फिर आगे का नोट्स नहीं लिखे थे। अरे तो भेजे तो होंगे सर। नहीं सर वो बस ऐसे ही मतलब पढ़ाते थे। तो जैसे जैसे हम लोग पीडीएफ भेज रहे हैं, मैसेज भेजे नहीं थे, नहीं मॉड्यूल को ही बस खोल के पढ़ाते थे, थोड़ा बहुत समझाते थे। ठीक है तो एक बार
ठीक है, हम बात कर लेंगे क्या क्या हुआ था, रिवीजन करेंगे और कल बता देना वैसे, ठीक है, जो भी होगा उसका है, जो छुट्टा होगा उसको ठीक से कर लेंगे, जो हुआ होगा उसको रिवीजन करके कर लेंगे, ठीक है। सर ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया? हाँ ये खत्म हो गया, ठीक है, तो इधर मान लो खत्म हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद सेमीकंडक्टर एक है, सेमीकंडक्टर भी बहुत ही आसान चैप्टर है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही रहने देते हैं, एंड कर रहे हैं इस चैप्टर को। हम बोलेंगे आज ही जाके पढ़ लेना एनसीईआरटी से और आज ही सॉल्व कर लेना, ठीक है, इस चैप्टर का झंझट ही खत्म कर दो, ठीक है। ठीक है फिर, ठीक है, एंड कर रहे हैं।